योगी ने कहा ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा अयोध्या का दीपोत्सव। सीएम ने दी धनतेरस और दिवाली की बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक और अभूतपूर्व हो। शुक्रवार रात सीएम आवास पर अयोध्या दीपोत्सव की तैयारी की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हर वर्ष रिकॉर्ड दिए जलने से यह आयोजन वैश्विक मंच पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपोत्सव में भगवान श्री राम की अयोध्या वापसी, भरत मिलाप, श्री राम राज्य अभिषेक प्रसंगों का प्रतीकात्मक चित्रण भी होगा। प्रधानमंत्री की ओर से सरयू की आरती भी उतारी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन अवसरों पर समय अनुकूल सुमधुर भजन आरती, मानस की चौपैया व दोहा का गायन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इनसे समारोह और अधिक शोभायमान और अविस्मरणीय होगा। उन्होंने कहा कि मुख्य समारोह से पहले पूरे अयोध्या जिले में स्वच्छता व सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान चलाया जाए, किसी भी श्रद्धालु अथवा पर्यटक को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी के चलते सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के मानकों का पूरी तरह पालन होना चाहिए, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अयोध्या के सीमावर्ती जिलों को अलर्ट रखने और सीमाओं पर अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने अयोध्या में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। राज्यपाल सीएम ने दी धनतेरस व दिवाली की बधाई। योगी ने ट्विटर पर डीपी बदली लगाया दीपोत्सव का लोगो। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से उनकी सुख समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री ने ट्विटर पर अपनी डीपी भी बदल दी है। उन्होंने डीपी पर दीपोत्सव का लोगो लगाया है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि दिवाली का पर्व भारत की सनातन धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन जरूरतमंदों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही मुख्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए NMG न्यूज़।